Allahu Akbar, Allahu Akbar. हंजलो जामे मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट लंदन की सबसे बड़ी मस्जिद है और जुमे पे इसकी गैदरिंग जो है बाद दफ़ा मैनेज नहीं हो सकती। इतने लोग दूर दराज से इस मस्जिद में आते हैं तो ज़रूरत महसूस हो रही है कि कम्युनिटी की सहूलत के पेश नज़र इस मस्जिद की एक्सटेंशन हो। हंजलो मॉस्क इज़ द लार्जेस्ट पर्पस बिल्ड फैसिलिटी इन वेस्ट लंदन। We caters for over 5,000 Muslims who come to pray on Fridays and 12 to 15,000 on Eid days. We have a dedicated funeral facility, a primary school with over 200 children, and a Quranic academy which runs in the evenings and weekends with over 600 children. The new extension facilities will not only allow us to enhance these current facilities, but it also will allow us to provide a dedicated facilities for the youth and our sisters, and also improve the current funeral facilities and deliver a state-of-the-art vuzveria for the community. We have started work on a 1.5 million extension project, which will enable us to develop the mosque to cater for the needs of the Muslim community moving forward. This will not only encompass enhanced vuzu facilities, but also detailed facilities for the youth and our sisters. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ जुमा को 5,000 से ज़्यादा लोग आते हैं और डेली नमाज में हमारे पास 200-300 लोग आते हैं और वीकेंड में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद फुल रहती है। हमारी चूँकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी रोज़ाना बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी थी। एक साल पहले हमने एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये अल्लाह ताला जल्ल शानहू का ये एहसान और करम है कि हमारी जामिया मस्जिद हंसलो आज इसकी न्यू कंस्ट्रक्शन ज़ेर तामीर है और जिसका काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से हो रहा है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने हम सबको जो अपॉर्चुनिटी जो मौके फ्राहम किए हैं ये मिन जानब अल्लाह। मैं एज़ ए इस मस्जिद का चेयरमैन मोहम्मद सलीम अब सबसे ये गुजारिशात करना चाहता हूँ कि इस मौके में इस चांस को अल्लाह अवेल करें और अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़कर इसके अंदर हिस्सा डालें। वी ऑल्सो रन द प्राइमरी स्कूल अंडर द मस्जिद, वी ऑल्सो रन आवर मदरसा। इन आवर मदरसा वी हैव अबाउट 600 स्टूडेंट्स। वी टीच देम कुरान एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड देम इस्लामिक स्टडीज़। वी हैव प्रोवाइडेड और डिज़ाइन प्रॉपर सिलेबस एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आवर स्कूल आई स्टूडेंट विल फील दैट ही इज़ अ प्रॉपर मुस्लिम एंड ही नोज अबाउट द लॉ ऑफ शरिया। नंबर वन सबसे बड़ा जो हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि यहाँ पे हम फ्यूनरल सर्विस जो है वो तकरीबन 14 साल से हम रन कर रहे हैं। जो नई एक्सटेंशन बन रही है वहाँ पर हमारे फ्यूनरल सर्विस के लिए जो है एक पूरा अच्छा बेहतरीन जो है मोर्चरी जो है वो बना रहे हैं, वो होगी वहाँ पे। जब मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हमारे स्कूल का जो है वो प्रोग्राम भी इसमें काफ़ी उसको भी एक्सटेंशन मिलेगी। हमें जो है हमारा जो इस्लामिक स्कूल है उसके लिए हमारे पास जगह भी बहुत कम है। फिर हमें जो है ये एटलीस्ट क्लोज डोर्स में अच्छी जगह मिल जाएगी और हम अपने बहुत सारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे इस वक्त हम उनको कैटर नहीं कर सकते, तो उम्मीद है कि हम उन बच्चों को इन नियर फ्यूचर हम कैटर कर सकेंगे। मस्जिदें हमारे लिए एक सेंचुरी की हैसियत रखती हैं। जब भी हमें परेशान होते हैं तो हम मस्जिदों में आकर अपने दिलों को सुकून देते हैं, तो मस्जिदों की आबादी और मस्जिदों की हिफाजत हमारा ये बुनियादी और मिल्ली और एक सोशल फरीज़ा है मिनहासुल मुस्लिम। अल्लाह का शुक्र है, एक ज़माने में तो हंसलों में मस्जिद नहीं थी, अब अल्लाह ने हमें ये इनायत किया है
और एक्सटेंशन हो रही है, आबादी भी बढ़ रही है, उस लिहाज से मेरा ख्याल है हम बड़े अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। और मस्जिद की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हौसलों में 32,000 मुसलमान रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी मस्जिद ज़रूरत थी। डेफिनेट इससे देखें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। अब जितने लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। We think about the next generation and in order to make that successful we do have to move forward with the times and inshallah this will be a great opportunity to do so. We have the special workshops for the youngsters so that they can learn about the basics of Islam and they can learn how to practically they can lead a good Muslim life. So we'll be benefit a lot of young kids from going on bad things and going on a good way. Yes, I think okay, बहुत अब फ्यूचर में हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है इस मस्जिद का और हमारी जनरेशन को। And I'm from the Heathland School and we come to this mosque every Friday to pray and it would be much appreciated if we could support this extension project. It would help us beneficial and there's already very few spaces that we can pray in and it'd be much better if you could extend the mosque. Each year I notice every time for Ramadan especially how people often suffer because there isn't enough space to accommodate everyone. So it's really necessary for everyone's benefit that it's extended. हमारी नौजवान नस्ल को वो दीन की तरफ रागब कर रही है। यहाँ एक स्कूल उन्होंने चलाया हुआ है सुबह स्कूल के नाम से। यहाँ कुरान क्लासेस होती हैं, ख़वातीन के क्लासेस होती हैं और कम्युनिटी के हर वो पहलू जिस पहलू के लिए कम्युनिटी की ज़रूरत होती है मर्दी जामर से हंजलो हर काम में आगे आगे होती है और हर खिदमत के मौके पर वो पहल करती है। There was a lot of people, friendly atmosphere. They're doing talawas right now. And it was just a beautiful experience to see this masjid. On Eid and Jumma it's already so packed in here. Having more capacities, more people will come, more people will be able to read the namaz here. Extension to the school will be great, more students will be able to be enrolled. Yeah, for that reason the extension is brilliant. Masjid jo hai uski extension kar rahe hain taki usme aur facilities jo hain hum pesh kar sake. Aur mujhe bahut khushi hai ki main shuru se main dekhta chala hu कि मैं ये ज़रूरी कहूँगा कि हंसलो के जितने भी मुसलमान अराउंड द एरिया जो है उन्होंने ये मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोगों को अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है तो इस मौके को वह यख्तस्म बेरहमत ही मैशा ये अल्लाह चुन लेता है अपने लोगों में से जिस पर कर्म करना चाहे इस काम के लिए उसका मुंतखब कर लेता है। We urge all of you to donate generously in order for us to complete the current extension project. Allah Taala ki bargah mein dua, Allah Taala hamare in nek kamon ko qabool farmaye aur aap tamami hazrat se guzarish hai ke bharpoor dil khol kar Allah ke is ghar ka taun kare aur indallah majur hon. Aur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki us hadith ko pesh nazar rakhte hue ki man bana lillah masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah, jisne दुनिया में मेरा घर बनाया मैं उसका आखिरत में घर बनाऊंगा, तो अल्लाह ताला का वादा लाहिर अल्लाह ताला का वादा है, उसमें तशकीक और उसमें रैब की गुंजाइश ही नहीं है। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पास बाहें ये पास बाह हमारा है।